हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं एक तुम्हें एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ ताकि आप इजीली अपने स्मार्टफोन से ही आप टीचिंग करते हो तो बच्चों को पढ़ा सकते हो और आप प्रेजेंटेशन देना अच्छा समझते हो तो ये बहुत ही इजी होगा। इसे आप इजीली पढ़ा सकते हो और सिर्फ तुम्हें इसकी स्मार्टफोन की ही ज़रूरत होगी। तो इस ये ऐप आप यूज़ भी करते होगे पर इसका आपको पता नहीं होगा, पर यह ऐप आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि आप बच्चों को सिखा सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आप ऐप यूज़ भी करते होगे पर आपको पता नहीं होगा कि इसमें ये भी फीचर है। तो उसका नाम है WPS ऑफिस। इस ऐप से आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, उनको आप अगर PPT प्रेजेंटेशन देना अच्छा समझते हो तो आप बच्चों को इजीली इस ऐप से पढ़ा सकते हो और YouTube पे उस वीडियो को आप पोस्ट भी कर सकते हो ताकि वो बच्चों के आगे फ्यूचर में काम आए। तो चलो मैं तुम्हें उस ऐप का रिव्यू दिखाता हूँ। तो चलो मैं लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो ये आ चुके हैं हम हमारी मोबाइल की स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर। कोई भी आपका मोबाइल हो तो आप उसे इजीली पढ़ा सकते हो। ये बहुत ही इजी ऐप है, इसे आप इजीली पढ़ा सकते हो। तो चलो मैं लेके चलता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था उस ऐप का नाम WPS ऑफिस। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके उसको WPS ऑफिस सर्च करोगे तो ये तुम्हें इजीली मिल जाएगा। WPS यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ताकि आपको इजीली मिल जाए। ये है वो ऐप। इसकी अच्छी बहुत अच्छी खासी रेटिंग है इसके, आप देख सकते हो 4.6 रेटिंग है और बहुत ही अच्छा ऐप है ये। इसमें आप इजीली बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो कैसे पढ़ाना है मैं आज तुम्हें ये बताता हूँ। अगर आप के पास ये ऐप नहीं हो तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास है तो इसको मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो अभी मैंने इसको कर लिया है ओपन। तो ये ओपन हो जाने के बाद Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अगर तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है तो पीपीटी प्रेजेंटेशन ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बना के रखना होगा। तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हैं तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। ये मैंने मेरा प्रेजेंटेशन ओपन कर दिया। अभी ये मेरा प्रेजेंटेशन है, मैंने ओपन कर दिया। अभी ये देखो, आप इस पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्ले। करने के बाद क्या होगा कि ये तुम्हारा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर तुम्हें रिकॉर्ड के ऊपर सेलेक्ट करना है। रिकॉर्ड के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद ये 3, 2, 1 हो जाने के बाद ये अभी ये हो चुकी है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अभी देख सकते हो यहाँ पे ऊपर तुम्हें पॉइंटर, पेन ये सब दिखाई दे रहा है जो तुम्हें सेलेक्ट करना है हम कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया है। इसकी एक ख़ास बात यह तो ये है कि ये देखो, तुम जो तुम्हारे मोबाइल में है जब तुम पढ़ाने के बाद हो जाएगा तो ये बाजू का कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ तुम्हारी PPT उतनी ही दिखेगी। ये देखो ऐसे तुम हाईलाइट कर सकते हो इस पेन से, जो लिखना है वो लिख भी सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पेन दिए हुए हैं, कलर्स भी दिए हुए हैं, हाईलाइटर भी दिया हुआ है। हाईलाइटर आप यूज़ करना चाहते हो तो हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो ऐसे तुम हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ बहुत ही ईजी है और ये रिकॉर्ड की वाली स्क्रीन आपको आगे देखने को मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा सा काम करता है। मैंने इसके बारे में पहले जान लिया था पर अभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे तुम हाईलाइट कर सकते हो, ऐसे इसी तरह से तुम बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो। ये देखो इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें बाजू में दिख रहा होगा पॉज और सेंड, क्विट करने का हो तो क्विट भी कर सकते हो। तीनों भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये रिकॉर्डिंग अभी चालू हो चुकी है, 1.32 मिनट्स हो चुका है। अगर अभी मुझे क्विट करना है तो क्विट कर सकता हूँ और सेंड करने के लिए सेव करने के लिए तुम्हें सेंड करना होगा और सेव टू लोकल कर देना होगा। ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी ये सक्सेसफुली सेव हो जाने के बाद हम इसको कर देंगे क्विट। क्विट कर देने के बाद अभी मैं इसको कर देता हूँ क्विट।
और अभी मैं चले जाऊंगा। अभी ये हमारा अपने गैलरी में सेव हो चुका है, तो सेव हो चुका है, तो अभी मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरे गैलरी में सेव हो चुका होगा। एक्चुअली उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं आपको ये रिकॉर्डिंग करके स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाने के बाद अगर तुम्हें पेन चाहिए हो तो तुम यहाँ से पेन ले। मैं म्यूट कर देता हूँ, ये तुम देख सकते हो इस वीडियो में। ये देख सकते हो यहाँ पे हमने जो देखो जो टिक मार किया था वही दिख रहा है। तो ऐसा ये बहुत ही बढ़िया सा ऐप है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। मुझे ये ऐप के बारे में पता चला तो मैंने सोचा चलो आपको मैं बता दूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।